डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू टू मोड्यूल वन नाइन वन ऑफ इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस कोर्स इस कोर्स में हम बात करेंगे एथिक्स की इसके अंदर आपके जो पर्सनल एथिक्स हैं बिजनेस एथिक्स हैं हो यू हैव टू तो कम्युनिकेट इसमें आप देखें कि हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करें ना शुरू से ही कि आप एक एज ए डेटा साइंटिस्ट का रोल क्या है उसका दिन कैसे गुजरता है वो काम कैसे करता है उसको काम कैसे करना चाहिए इन सब के अंदर जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एथिक्स तो एथिक्स आपके अच्छे होने चाहिए जिसे और बे बेशुमार कंपनीज है जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं ना तो दे हैव देयर कोड ऑफ एथिक्स दे हैव देयर ड्रेस कोड एथिक्स कोड ऑफ एथिक्स फिर उसके अंदर डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं परचेजिंग की एम्प्लॉयज़ की मैनेजमेंट की सो ऑल दैट कम्स यू नो और फिर ये चीज़ें आप वक्त के साथ साथ जब आप किसी इंडस्ट्री को किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो फिर आप सीखते हैं दैट इज़ हाउ यू बिल्ड अप योर प्रोफेशनल एथिक्स अब जो डेटा साइंटिस्ट है उसके लिए प्रोफेशनल एथिक्स जो है दे आर बिट मोर डिमांडिंग क्योंकि आपकी जो एक्सेस है ना यू हैव एक्सेस टू द पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ अ कंपनी ऑफ अ सोसाइटी ऑफ द गवर्नमेंट तो आपकी जो एक्सेस है ना डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस ऑफ योर नेचर ऑफ योर बिजनेस और जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं योर रोल इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल एंड यू हैव इन साइट एंड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन विच नॉर्मली नो बॉडी एल्स कैन हैव इवन इन दैट कंपनी या इवन कि अगर आप किसी सोसाइटी की भी बात करें फर्ज करेंगे अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में या लाइफ साइंसिस में काम करते हैं या आप अगेन बैंकिंग में काम करते हैं टे, टे, टेलीकॉम में अगर आप काम करें टेलीकॉम का डाटा बड़ा सेंसिटिव है यू you नो know, उसमें यू नो कि कौन बंदा किसको कॉल करता है और ये जब टेलीकॉम के एनालिटिक्स को हम थोड़ा सा कवर करेंगे अपने सिम अदर लेक्चर्स या आपके कुछ जो दूसरे कोर्सेज हैं उसके अंदर आप इस तरह की चीज़ें देखेंगे कि जो टेलीकॉम का डाटा है उसके अंदर देर अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन देयर तो उसको आपने किस तरह से आपने यूज़ करना है या नहीं करना अब आपके पास लोगों की पूरी जो कॉलिंग हिस्ट्री है कौन किसको कॉल करता है कितने बजे करता है उसको कहाँ से कॉल आती है किस नेटवर्क से आती है और वो इवन के आपके पास इवन इफ़ यू है आर फ्रॉम द सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क आपके पास जो सब्सक्राइबर्स होते हैं जो उनकी इन्फॉर्मेशन होती है तो यू कैन फाइंड आउट देर जेंडर देर एज ग्रुप अगर वो सिम उनके नाम पे रजिस्टर है तो यू कैन फाइंड आउट तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी तरह किसी की हेल्थ की इन्फॉर्मेशन है किसी की इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन है किसी के बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है ये जो सारी इंफॉर्मेशन है और जिस चैलेंजिंग दौर से इस वक्त दुनिया गुजर रही है ये कोविड की सिचुएशन है और कई तरह के जो इश्यूज़ हैं तो ये ये जो डेटा की सिक्योरिटी प्राइवेसी एक्सेस ये सारी चीज़ें दे मेक योर रोल मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न एथिक्स अबाउट योर रोल कि मैं कितना एथिकल हूँ अपने रोल में और मैं इसको और किस तरह से कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ अच्छा अब अब ये जो एथिक्स है ना बेसिकली देर देर अ लॉन्ग हिस्ट्री इनकी और फिर इसके अलावा जो हमने डिस्कस किया भी है कुछ और भी चीज़ें हम करेंगे वक्त के साथ साथ कि एथिक्स जो है देर इम्पोर्टेंस इज़ देर फ्रॉम डे वन और ये वक्त के साथ साथ और बढ़ेगी कि आपके जो एथिक्स हैं सबसे पहले जो मैंने आ, आ, थोड़ी देर पहले भी जो चीज़ डिस्कस की वो ये कि आपके जो एथिक्स हैं वो डेटा जो है आपके पास वो आपके पास एक आप ये समझे कि अमानत है यू आर नॉट सपोज टू डिसक्लोज इट यू आर नॉट सपोज टू गो इन टू एन यू नो वो जो स्निफिंग अराउंड वाली एक यू नो कुछ लोगों की आदत अच्छा है अच्छा यार मैं अगर आपके पास बैंक का डाटा आ गया तो मैं ये देखूं कि टॉप ट्वेंटी परसेंट या टॉप ट्वेंटी इनके अकाउंट होल्डर कौन है तो आपको ये पता चल जाए कि बैंक ए बी सी के जो सबसे ज़्यादा अकाउंट में किस बंदे के पैसे हैं यू नो दैट इज़ अनएथिकल इसी तरह आप कुछ और देखेंगे किसने लोन लिया है किसकी जो क्रेडिट कार्ड की जो है ना वो पेमेंट टाइम पे नहीं हो रही यू you नो know? और सम टाइम इट इट मे हैपन के उसमें कुछ ऐसे लोग भी हों जो आपके जानने वाले हों यू नो तो या आपके और कुछ नहीं तो कम से कम आप जिस कंपनी में काम करें आपके जो कोलीग्स कु हैं उनका डेफिनेटली आपको पता होगा कि ये क्योंकि तो सबकी सैलरी एक बैंक में जाती है सबकी जो हेल्थ है उसकी जो एक जगह पे हेल्थ इंश्योरेंस है या वो जो हेल्थ की सर्विसेज आप ले रहे हैं एक जगह से ले रहे हैं बच्चे सिमिलर स्कूल्स में जा रहे हैं यू नो तो ये ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप जो है वो उसको यू हैव टू मेनटेन योर एथिकल वैल्यूज एंड देट इज वट यू नो डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पर्सन वंस आर एथिकल अब देखिए बिजनेस जो है ना देर इज ऑलवेज अ रिस्क इन द बिज़नेस अब रिस्क की को वो रेजिडूल रिस्क है जी ये फलाना रिस्क है ये फलाना रिस्क है ये इनहेरिटेड रिस्क है अब हर चीज़ में रिस्क तो है कि अगर खुदा ना खासतः एक इंसान ज़िंदा है वो घर से निकलता है तो देर इज़ अ रिस्क कि अगर आपने एरोप्लेन पे सफ़र कर रहे हैं आप ट्रेन पर किसी भी चीज़ में आप सफ़र कर रहे हैं तो देर इज़ इस अ इसको कहते हैं इनहेरिटेड रिस्क कि वो इनहेरिटेड रिस्क तो है उसमें बट एज अ डाटा साइंटिस्ट हो यू कैन हेल्प मिनिमाइजिंग दैट रिस्क है अब आपने काम ये करना है कि आपने उस रिस्क को मिनिमाइज करना है कि वो किसी इंडिविजुअल का डाटा है किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है या किसी का भी डाटा है तो वो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस रिस्क को मिनिमाइज़ करें ताकि वो जो चीज़ है वो किसी वो इंफॉर्मेशन क्योंकि प्राइवेट है दैट इज़ नॉट पब्लिक क्योंकि इसके अंदर भी वो देन देर डिफरेंट अदर एंगल्स ऑफ द डेटा प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी आई एस ओ के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो इनको मैनेज करते हैं कंपनीज के ग्रुप्स के कम्प्लाइंस के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो इन चीज़ों को यू नो हेल्प करते हैं मैनेज करने में तो ये बेसिकली दिस जो जो मैंने एक बात की थी कोड ऑफ एथिक्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली दैट कवर्स ऑल दीज एंगल्स कि कौन सी इंफॉर्मेशन है कौन सा डाटा प्राइवेट है कौन सा पब्लिक है आपने क्या ख़रीद सकते हैं क्या नहीं खरीद सकते आप क्या गिफ्ट दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते ये ये सारा कुछ बेसिकली दिस इज पार्ट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स ऑफ अ कंपनी और यही चीज़ें हैं जो कि आपने जिनको प्रैक्टिस करना है जिन पर अमल करना है यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आप एक एथिकल डाटा साइंटिस्ट हैं